नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट भगवान बुद्ध के बारे में दो कहानियां बताऊंगा जिससे लाइफ और बिजनेस में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। अगर ये दोनों कंसेप्ट को ध्यान से सुना जाए, स्टोरी को ध्यान से सुना जाए, तो फिर आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ में आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में 50% ग्रोथ एक्स्ट्रा कैसे लेना है, 50% कहाँ हम लोग फंसे रहते हैं। सबसे पहले एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में वृक्ष के नीचे बैठकर प्रवचन कर रहे थे। उस समय एक व्यक्ति आया और लगातार झापड़ मारते गया और गाली देता गया भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो व्यक्ति घर चला गया। घर जाने के बाद उसे रात में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, और वो जाकर दूसरे दिन एकदम नाक रगड़ कर माफ़ी मांगने लगा, लगातार माफ़ी मांगने लगा। भगवान बुद्ध ने बोला कि भाई क्या हो गया है? तो बोले, सर मैंने आपको जो कल गाली दी थी, मैंने बहुत गलत किया, मैंने आपको मारा था, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। बोले, जब तुमने कल गाली दी थी और जो मुझे मारा था मैंने वो लिया नहीं, तो माफ़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी किया वो तुम्हारे विचार थे, तुम्हारा सोच था, और अभी भी जो कर रहे हो ये तुम्हारा विचार, तुम्हारा सोच, तुम्हारी सांत्वना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। एक और बार क्या होता है, कुछ लोग मिलकर बहुत ज़्यादा गालियाँ देते रहते हैं। जब भगवान बुद्ध एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हैं रास्ते पर, तो भगवान बुद्ध एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और पूछते हैं कि भैया आप लोगों का अगर हो गया हो तो फिर मैं जाऊँ, मुझे अगले गांव में जाना है। तो बोले, हम लोग इतना कठोर गालियाँ दे रहे हैं, इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, आपको इतना कोस रहे हैं और आपको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, ये कोई बात नहीं है? तो भगवान बुद्ध ने बोला कि आपके लिए गालियां हैं, आपके विचार हैं, आपके अंदर की भावनाएं हैं, आपका सोच है जो आप व्यक्त कर रहे हो, मेरे लिए केवल एक बात है। एक बात और बताऊं कि मुझे इन बातों में कोई रुचि भी नहीं है, मुझे मज़ा भी नहीं आया और मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं है, क्या मैं अगले गाँव जाना है वहाँ निकल जाऊँ? तो बोले कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा आपको? बोले, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इससे पहले वाले गांव जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर कुछ लोग आए मेरे भक्त और आकर मुझे मिठाई देने लगे, बहुत सारा मिठाई उन्होंने ऑफर किया। मैंने बोला कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वो मिठाई कहाँ लेकर गए होंगे आपके हिसाब? तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, सर वो अपने बच्चे को और अपने रिलेटिव लोगों को देने गए होंगे। तो फिर एक बात बताओ, जो आपने गालियाँ दी मैंने तो नहीं ली, अब उसका क्या करोगे, कहाँ लेकर जाओगे? अपने बच्चों को दोगे, अपने परिवार को दोगे, या रास्ते में जो मिलेगा उसको परोसोगे? आप डिसाइड करो। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध का ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग अपने बिजनेस में, अपने काम में ध्यान देते हैं, उस समय साइड से कौन गालियां दे रहा है, भौंक रहा है, कोई हमको मार रहा है, कोई हमारे को ताना दे रहा है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको सिंगल फोकस अपने काम पे जाना है। और हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी दुनिया खड़ी रहेगी, कोई गालियां देगा, कोई मारेगा, कोई बोलेगा ये गलत काम कर रहे हो, ये सही नहीं है, इसमें डूबेगा, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इससे तेरा अनर्थ हो जाएगा। उसको काम नहीं है, वो कुछ भी करे, उसका कर्म है, उसका माइंडसेट है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो सोचा है हम उस कार्य को पूरा करने के लिए जाएंगे, उस काम को पूरा करेंगे, सक्सेस होंगे, तभी आएंगे बोले भैया मैं तो पहले से ही जानता था आप तो एकदम पूरा महान हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ज़बरदस्त आपका रुतबा है, और मैं पहले ही अपने पूरे गाँव वालों को बोलकर रखा हूँ, अपने बच्चे को भी बोलकर रखा हूँ, बनोगे तो आप बनना तो सर के जैसे बनना। इस तरीके से आप कभी भी बिजनेस में और अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत जाइए, अपना गोल खुद तय करिए, खुद उसके तरफ जाइए, कौन क्या बोल रहा है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।